तो दोस्तों जैसा कि पबजी बैंड हो गया आपको पता ही है, तो पबजी जैसे ही बैंड हुआ तो जैसे ही जो है हमारे मोदी जी ने जो है आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाया, मतलब हमारे देश में जो है जो चीज बन रहा है उस चीज को ज्यादा प्रमोट करने के लिए मोदी जी ने यह नारा लगाया। तो इसी चीज को जो है नजर में रखते हुए हमारे इंडियन गेम डेवलपर्स ने जो है पबजी का अल्टरनेटिव ला दिया। जी हाँ दोस्तों, 4G, तो फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स करके इस गेम का नाम है, जिसका नाम है 4G। और ये हमारा इंडियन गेमिंग कंपनी जो है बेंगलोर बेस्ड एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, उन्होंने एनकोर नाम है उस कंपनी का, उन्होंने जो है इस गेम को जो है बनाया है। तो इसका रिलीज डेट जो है अभी सामने नहीं आया, हालांकि अक्षय कुमार ने जो है इसके बारे में पोस्ट किया है ट्विटर पे, आप देख सकते हो ये अक्षय कुमार का ट्विटर पोस्ट वगैरह क्या कुछ है। तो इस गेम में जितना भी जो है रेवेन्यू वगैरह जनरेट होगा, मतलब जो है पैसा कमाया जाएगा इस गेम में, उसका 20%, मान लो 100 रुपया इन लोगों ने जो है अर्निंग किया है, उसमें से 20 रुपया जो है भारत के वीर नामक एक ट्रस्ट में जाएगा, जो इंडियन आर्मी का कुछ ट्रस्ट होगा, जिसमें हमारे शहीद हुए जो जवान है उनके फैमिलीज को, या फिर जो है जो अपाहिज हो गए जंग में या फिर वार में, उनके लिए जो है वो पैसा जाएगा। तो काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट है और हमें इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हम मानते हैं कि पबजी एक अच्छा गेम था, बट जो है वो चाइनीज गेम है, और पबजी वाले भी जो है अभी टेंसेंट जो है पबजी का जो मोबाइल वर्जन डेवलप किया वो अभी गवर्नमेंट से बात कर रहा है। हालांकि जो मुजरा सेंटर वाले हैं वो भी तो ऐसा ही बोले थे कि बात कर रहे हैं, बट अभी कुछ बात नहीं बन रहा है। तो टेंसेंट अभी लगा हुआ है पबजी मोबाइल को लाने के लिए इंडिया में, गवर्नमेंट के साथ पूरा तोड़ जोड़ वो लोग जो है बातें चला रहा है। और पबजी को जैसे ही बैंड हुआ है कितना लॉस हुआ है पबजी को पता है, मतलब पबजी का मार्केट वैल्यू कितना गिरा है, $14 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, 14 बिलियन कितना होता है, $14 बिलियन कितना होता है, गूगल करके देखो, उतना जो है मार्केट शेयर घट गया है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बैंड होने से। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूजर्स थे, करीब करीब 20 करोड़ यूजर थे पबजी के, तो काफ़ी बड़ा एक नंबर है। तो जैसे ये 4G को आपका भी प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारा इंडियन गेम है, और हमारा जो विशाल गोंदल है इन्होंने इस गेम को लाया, मतलब ये जो है एनटेक, ये जो कंपनी है इस कंपनी का फाउंडर और CEO भी है, और ये जो है वेरिएबल फिटनेस मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड गोक्यू का भी CEO है। तो ये अभी जो है विशाल गोंदल और जो अक्षय कुमार है, इन्होंने जो है सोशल मीडिया और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के तहत जो है इसको एडवर्टाइज कर रहा है 4G को, फेयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। तो आप इस गेम को अपना पूरा प्यार और सपोर्ट दीजिए, इंडियन गेम है, और इस गेम को भी जो है उतना ही प्यार और जो है सपोर्ट करें जितना आपने पबजी को दिया है। पबजी का ये एक ऑल्टरनेटिव है, और साथ ही साथ बोल सकते हो कि हमारा देश जो है पबजी के जैसा ही गेम बनाने में कैपेबल है, तो आप इस चीज़ को देखें। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह है, फोर्टनाइट है, तो आप उन सारे गेम पे भी जो है देख सकते हो। बट पबजी भी जो है आने की कोशिश कर रहा है, बात वगैरह चल रहा है, तो देखते क्या होता है आगे, गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है, गवर्नमेंट ने जो नॉर्म्स वगैरह सेट किया है, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह सेट किया है, उस पर ये खरा उतरता है कि नहीं पबजी। हालांकि पबजी का जो है इंडिया में भी सर्वर है, बट ये 4G भी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होगा, जो भारत के भी ट्रस्ट में जो 20% जो है उनका रेवेन्यू का 20% जाएगा। तो काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट है हमारे इंडियन कंपनीज की तरफ से, तो आप इसे सपोर्ट कीजिए। बेंगलोर भी स्टार्टअप है, हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, जय हिंद, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो लोग को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि हमारा इंडिया जो भी है इस तरीके की चीज़ों को लाने में सक्षम है। तो शेयर कीजिए दबा के, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।